मिनिमम डिलीवरी चार्जेस है, इससे ज्यादा डिलीवरी चार्जेस नहीं है हमारे और पूरे लाहौर में डिलीवरी, इवन के हमारी डिलीवरी रावलपिंडी में भी हो रही है, यूके भी हो रही है और उसके अलावा फैसलाबाद भी हमारी जो है यूके में भी हो रही है। ये कैरामल मिनी केक है और ये बहुत कम बेकरीज है जो मिनी केक्स बनाती है। ओके जेन्युइन जो चीज होगी वही आपको बताऊंगा। ये लें जी, ये पकड़ा जी। जो जितने भी बिस्किट है ये हम शर्तिया कहते हैं, आप टेस्ट करवा लें, ये बटर में तैयार हुए हैं। बटर में तैयार हुए हैं सारा बिस्किट हमारे, बटर में तैयार। वाओ अमेजिंग। इसके अंदर चीज है, चिकन है, ऑलिव है, ओके ऑलिव भी डालेंगे इसके अंदर, ओके कैप्सिकम है, ऑनियंस है, इसके अलावा ये जलापीनोज है। ये बंदा खाता है तो बंदा कहता है बस खाई जाए खाई जाए, इस तरह की स्वीट है। ऐसा क्या है स्वीट? प्योर खोए में तैयार हुई है ये। अच्छा, और खोए में तैयार होती है। अच्छा, ये किस तरह केजी देते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान, मैं हूं आपका शहबाज बेग नाज़रीन, शहर लाहौर में मौजूद हूं और लाहौर की एक बेकरी है जिसका नाम जफरुल्लाह बेकर्स है। यहां से गुजर रहा था, यहां से अपने बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग की, खरीदारी की और इंतहाई टेस्टी चीज़ें यहाँ की लगी मुझे। और ख़रीदारी करते करते मैंने कहा यार क्यों नहीं अपने व्यूवर्स के लिए भी यहाँ से एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ। आज की वीडियो में आपको बिज़नेस आइडियाज़ भी दिया जाएगा, आज की वीडियो में आपको इनकी बेकरी का टेस्ट भी बताया जाएगा कि इनकी बेकरी का टेस्ट किस तरह का है। ये देखें जी बेकरी, और बेकरी के अंदर की चीज़ें देखें कितनी खूबसूरत लगी पड़ी हैं। और आइए मेरे साथ आगे हैं जी, आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर, क्या हाल है? खैरियत है? आपसे थोड़ी सी बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, पक्की बात है, कोई इतराज तो नहीं है आपको? लें जी, इन्होंने इजाज़त दे दी है, इनको हम लगाते हैं माइक और फिर इनसे। आपका गुड नेम क्या है? इमरान। इमरान साहब, इमरान साहब ये बेकर, आपकी जो बेकरी है कितने अर्सा दराज से ये चला रहे हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को तकरीबन डेढ़ साल हो गया। डेढ़ साल हो गया? तो मैंने ये भी सुना है कि इसका आगाज आपने घर से किया था? जी बिल्कुल है, हकीकत है, ये हकीकत है। क्या वजह है आपके टेस्ट? मैंने कुछ चीज़ें अब यहाँ से बाय की थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्या मिलाते क्या है खास ऐसा है अपनी चीज़ों में जो मतलब जो खाता है और बस खाते ही जाता है? ये बस हमारा प्यार है जो हम अपना प्यार बीच में मिलाते हैं। अच्छा, तो जो कस्टमर को बहुत पसंद है, कस्टमर को बहुत पसंद है। अच्छा मुझे ये बताएंगे जो चीजें हैं ये जो मटेरियल इसमें यूज करते हैं ये सारा फ्रेश होता है आपका? सारा ईच एंड एवरीथिंग फ्रेश है और क्वालिटी प्रोडक्ट है, सारी टेस्टिंग के बाद इसको जो है हम लोग तैयार करते हैं। अच्छा ओके हो गया। होता क्या क्या है आपके पास, हम मुझे कुछ विजिट करवाएंगे इफ यू डोंट माइंड? मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर होता क्या क्या है। डिफरेंट केक्स है हमारे पास। अच्छा, हर तरह का केक होता है? हर तरह का केक होता है, फ्रेश क्रीम है, फाउंटेन है, बटर क्रीम केक्स है। अच्छा, आपका मैंने ये भी ऑफ कैमरा सुना है किसी से कि यार आप ये होलसेल में भी देते हैं, शॉप्स वालों को भी देते हैं? बिल्कुल ऐसी हम लोग सप्लाई भी देते हैं और काफी है हमारे पास सप्लायर जो हमसे खरीद लेते हैं। अच्छा, अगर कोई मेरा व्यूवर्स आपसे कॉन्टेक्ट करता है, वो आपसे बाय करना चाहे, बेकरी बनाना चाहे, तो ये पॉसिबल है? जी इंशाल्लाह पॉसिबल है, बिल्कुल। एक इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट से इसका आगाज हो सकता है? ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है। अच्छा, वो अगर एक बड़ा सेटअप लगाना चाहता है, वो लगाने को 1 लाख एक करोड़ लगा दे। अच्छा, लगाने को वो 5 लाख लगा ले, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर वो कितना पैसा लगा। आइडिया मिनिमम की अगर बात करें, मिनिमम आप लगा लेंगे तकरीबन 10 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 लाख से ये बिजनेस शुरू हो सकता है छोटा सेटअप। अर्निंग की अगर बात की जाए, एवरेज अर्निंग पर मंथ कितनी होती है इसकी? ये डिपेंड करता है कितनी अर्निंग होती है, एरिया वाइज, कस्टमर वाइज, सर्विस वाइज, इस पर डिपेंड करता है। ओके, अच्छा डिलीवरी की अगर बात करें, ये मतलब जैसे सिंगल पीस कोई ऑर्डर करता है वो तो आप लाहौर में देते ही देते हैं, पूरे लाहौर में मैंने सुना है देते हैं, लेकिन अगर कोई बल्क में किसी दूसरी सिटीज में मंगवाता है, बेकरी खोलता है, आपसे बनी बनाई चीज़ें मंगवाता है, देन उसको बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देते हैं आप ये सर्विसेज सारी? हमारी जितनी भी ये डिलीवरीज है ये पूर ऑल ओवर लाहौर में हमारी डिलीवरीज हो रही है इस टाइम। ओके, और मिनिमम डिलीवरी चार्जेस है, इससे ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस नहीं है हमारे। okay. और पूरे लाहौर में डिलीवरी, इवन के हमारी डिलीवरी रावलपिंडी में भी हो रही है, यूके भी हो रही है और उसके अलावा फैसलाबाद भी हमारी जो है यूके में भी हो रही है। ये चीजें जाती हैं यूके में, जो बिस्किट्स हैं वो? हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब कि जाते हैं वाकई रियल? बिल्कुल जाते हैं रियल में, रियल में, कैमरा के सामने बोल रहा हूं, रियल में जाते हैं। वाह क्या बात है। अच्छा, फ्रेंचाइज कोई लेना चाहे तो क्या क्या तरीका कार, क्या क्या प्रोसीजर क्या है?
मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा तो आपकी वीडियो में कि अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो फिर मैं सारी डिटेल्स उसमें फिर बता उसको दे देंगे आप। फ्रेंचाइज पर अगर आप लेना चाहें, इनके साथ मिलके ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे इनकी लोकेशन और इनका नंबर चल रहा है, आप फिजिकली भी आ सकते हैं। और अगर बर्थडे वगैरह को पार्टी वगैरह पे अगर आप चाहते हैं कि क्लासिक पार्टी हो, आपकी आपके जो गेस्ट आए हुए हैं वो आपसे हैप्पी हो जाए, अदरवाइज तो हैप्पी होते नहीं है, कोई ना कोई चीज़ पे नुक्स निकल ही आता है। लेकिन यहाँ पर जो आइटम्स मौजूद हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैं कुछ चीज़ें टेस्ट भी आपको इनके सामने करके दिखाऊंगा। ये दिखाइएगा जी, ये कितनी खूबसूरत है, इसको मैं पकड़ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। ये देखिए जी, ये कैरामल मिनी केक है और ये बहुत कम बेकरीज हैं जो मिनी केक्स बनाती है। ओके, हर कोई मिनी बनाता है। वाह, इसका टेस्ट क्या है, देखने से अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर एक छोटी सी पेस्ट्री पड़ी हुई है, इसको मैं थोड़ा टेस्ट करके दिखाता हूँ। और ऑनेस्टली जेन्युइन जो चीज होगी वही आपको बताऊंगा। ये लें जी, ये पकड़ा जी। जो इसके अंदर वो क्या कहते हैं इसको जी, ये चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट चिप्स, ये बहुत जबरदस्त है। उसके ऊपर, इसके ऊपर ये भी लगाया हुआ, क्या कहते हैं इसको, किटकैट एंड चॉकलेट सिरप। किटकैट, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस क्या होगी नॉर्मल रिटेल आम? ओनली 130 रुपीस। 130 रुपीस में आपको बेहतरीन किस्म का, ये देखें कितना खूबसूरत पेस्ट्री मिल रही है और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा खाया क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ की आपको टेस्ट करके दिखानी है। अच्छा सर, होता क्या क्या है? एक तो ये केक्स हो गए, केक्स में आपके पास सारे साइजेस होते हैं? केक्स में सारे साइजेस हैं, मिनी से लेके 2 pound जितने मर्जी पाउंड, और डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट इसमें कैटेगरीज हैं, फाउंटेन है, बटर क्रीम, फ्रेश क्रीम, कस्टमाइज भी करते हैं आप? बिल्कुल कस्टमाइज, हर तरह का करते थे, गुड हो गया। कोई अपनी मर्जी का डिजाइन बनवाना चाहे, मुश्किल तो नहीं है? कस्टमर डिमांड पे। ओके, इसके अलावा डोनर्स विद इन 2 hours के अंदर अंदर रेडी करके देते हैं। विद इन 2 hours? अच्छा, ये केक की प्राइस मैंने पूछनी थी आपसे, ये केक की प्राइस जस्ट 350 में एक बेहतरीन आपको केक मिल रहा है जिससे आपके बच्चे भी और भाभी भी हैप्पी हो जाएंगे। अदरवाइज भाभियाँ जो होती ना, बीवियाँ हैप्पी नहीं होती, लेकिन इनके केक से इंशाल्लाह हैप्पी होंगी। नेक्स्ट बिस्किट्स, बिस्किट्स देखें जी, हर तरह का इनके पास बिस्किट यहाँ पर अवेलेबल है। ये भी आपकी खुद की प्रोडक्ट है? सारी ईच एंड एवरीथिंग हमारी खुद की प्रोडक्ट है। और ये जो जितने भी बिस्किट है ये हम शर्तियाँ कहते हैं, आप टेस्ट करवा लें, ये बटर में तैयार हुए हैं। बटर में तैयार हुए हैं सारा बिस्किट हमारे, बटर में तैयार। वाओ, अमेजिंग। इसके अलावा बेकरी का बाकी सामान भी पड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूँ फास्ट फूड की तो उसमें क्या क्या होता है आपके पास? फास्ट फूड में अभी हमारे पास काफी आइटम्स है जिसमें चाइनीज है, स्टेक्स है, बर्गर है, पिज्जा, स्टफ पराठा। कुछ टेस्ट तो आएंगे मुझे, किधर आप इनकी बेकरी पे चले, पीछे जहाँ चीजें तैयार होती है, चले जी इजाजत देंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे? ले जी पीछे चलते हैं जहाँ पर ये चीज़ें सारी तैयार हो रही हैं और इनके जो शेफ है यहाँ पर खड़े हैं। वाओ जी, यहाँ पर तो पिज़्ज़ा चल रहा है। ये दिखाइएगा, ये क्या क्या डाल रहे हैं इसके अंदर जी? इसके अंदर चीज़ है, चिकन है, ऑलिव है, ओके, ऑलिव भी डालेंगे इसके अंदर, ओके, कैप्सिकन है, ऑनियंस है, इसके अलावा ये जलापीनोज है। पिज्जा डिलीवरी देते हैं पूरे लाहौर में? पूरे लाहौर में डिलीवरी हमारी, मैंने आपको जैसे बताया कि सारी है, फास्ट फूड की भी है, बेकरी आइटम्स की भी है, ओके, सब जगह। ये कितनी देर में सर, ये कितनी देर में तैयार होगा? अगर मैं पिज्जे के टेस्ट की बात करूं, अभी तो कच्चा कच्चा तो खा नहीं सकता, इसके टेस्ट की बात करूं, आजकल बड़े बड़े ब्रांड चल रहे हैं उनके लेवल पे इसका टेस्ट क्या होगा? डलता क्या क्या मजीद, मतलब कौन कौन से टेस्ट होते हैं पिज्जे में आपके पास? फुजिता पिज्जा है, अरेबिक पिज्जा है, मेक्सिकन पिज्जा है, उसके बाद पिज्जा पिज्जा है, डिफरेंट फ्लेवर। ओके सर, कुछ तैयार नहीं पड़ा हुआ, मैंने खा के तो बताऊं? मैं अभी तैयार करवा रहा हूं। ले जी, जितनी देर तक ये तैयार होते हैं हम बाहर मुख्तलिफ चीजें जो इनकी हैं बेकरी की वो आपको दिखाते हैं जी। बाकी की चीजें आए जी, आगे बढ़े, स्वीट की बात करें। ये देखें जी, यहाँ पर चिकन पीस भी पड़े हुए हैं, यहाँ पर सैंडविच भी हर तरह के पड़े हुए हैं, ब्रेड रोल भी पड़ा हुआ है जनाब। इसके अलावा ये स्वीट्स की बात करें, स्वीट का टेस्ट कैसा है?
स्वीट्स का अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें कोई ऐसी डेढ़ साल में कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है स्वीट्स, और हमारी स्वीट्स बड़ी पसंद की जाती है लोगों को। एक स्वीट होती है ना कि बंदा खाता है और एक बाइट पे बंदा कहता है बस यार, ये बंदा खाता है तो बंदा कहता है बस खाई जाए इस तरह की स्वीट है। ऐसा क्या है स्वीट के अंदर? प्योर खोए में तैयार हुई है ये। अच्छा, और खोए में तैयार होती है। अच्छा, ये किस तरह के जी देते हैं आप? ये 800 केजी और सॉरी 850 केजी और 950 केजी। 850 और 950 में क्या डिफरेंस है? 850 में जो है वो मिक्स मिठाई है और 950 में सिर्फ जस्ट बर्फी ड्राई मिठाई है। 850 में मिक्स है और 950 में ड्राई बर्फीज है। खाली 950 में ड्राई बर्फीज है। ये क्या चीज पड़ी हुई है जनाब? बड़ी खूबसूरत टोकरी के अंदर, बास्केट के अंदर, ये क्या रखा हुआ है आप लोगों ने? ये पतीसा है और ये कस्टमर्स के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा। इसके अलावा कोई कस्टमर कस्टमाइज बकेट लेना चाहता है, अगर मिठाई वगैरह है उसमें डाल के, उनके लिए रखा हुआ। इमरान साहब, मैं आपसे पहले भी क्वेश्चन किया था, बेकरी अगर कोई आपकी लेना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं व्यूअर्स के लिए कि क्या प्रोसीजर क्या होता है, मतलब कि आपके नाम से आपके प्रोडक्ट के ऊपर से। जी, मैं करता हूँ। आपके नाम से कोई बेकरी बनाना चाहिए वो चाहे, मतलब कि जाहिर बात है फ्रेंचाइज लेने का मकसद क्या होता है? इंसान को वो मेहनत नहीं करनी पड़ती जो मेहनत आप लोग कर चुके हैं, जो नाम आप लोग कमा चुके हैं, जो टेस्ट आप लोग दे रहे हैं, वो जो भी आपसे फ्रेंचाइज लेता है उसको इतनी मेहनत नहीं करना, ऐसी चीज़ वही टेस्ट उसकी बेकरी पर भी चलता है, मतलब उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? इसके ऊपर ज़रूर हम देंगे आगे फ्रेंचाइजें, हमने देनी भी है, इरादा है हमारा इसका, तो वो इंशाल्लाह जो है अगर कोई हमारे से आपके वीडियो के थ्रू अगर कोई हमारे से कॉन्टैक्ट करता है तो इंशाल्लाह उसको फिर हम आगे फर्दर जितनी डिटेल्स है वो सारी हम प्रोवाइड करेंगे कि वो, और आइडियाज़ भी देंगे उसको कि वो कैसे कर सकता है। चलें बेहतरीन जी, इनकी स्वीट भी थोड़ी ट्राई करते हैं। ये चमचम बोला जाता है इसको, ये करंटली ले सकता हूँ मैं खुद अगर जाके अंदर से लूँ तो? ले सकते हैं। ले जी, मैं खुद शॉपकीपर बन जाता हूँ जनाबे वाला, और यहाँ से एक इनका चमचम ये देखें जी, रस कैसे मेरे हाथ पे गिर रहा है, मतलब रस से बड़ा हुआ है ये, और ये टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। मेरा ख्याल है आपको भी टेस्ट करना चाहिए। ये देखिए, हाँ, क्या कहने, वो जैसे मेल्ट नहीं होता मुँह के अंदर जाते साथ ही टूट जाते हैं, जिसको कहते हैं यार ये वैसे हो गया है। ये भी उसी में ही है? ये भी उसी में, ये भी खोए में तैयार है, सारा खोए में तैयार हुआ है। बहुत मजे के यार, मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइज के करीब करीब हैं तो फिजिकली है नहीं आ सकते तो लाहौर से जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इनका नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत कम बेकरीज है जो ये बनाती हैं, मुझे नहीं, मैंने देखी नहीं वैसे, हो सकता है बेशक ना भी बनाती हो। ये आलमंड बटर बिस्किट, आलमंड बटर के रस है ये। ओके, इसमें बटर और आलमंड डलेंगे। अच्छा, वन बाइट आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये देखिए जी, ये छोटे-छोटे बादाम इसके अंदर है, बादामों वाले रस आपने लाइफ में पहले कभी भी नहीं खाए होंगे, मैंने फर्स्ट टाइम सुना होगा इसके। बिल्कुल, और मक्खन से तैयार करते हुए ये रस है। ये पैकेट की बात करें तो कितने का पैकेट है ये? 220 का, ओनली 220 का। और ये हर रस के अंदर आपको बादाम और जनाब मक्खन आपको नजर आएगा, और बड़े स्पेशल रस है जो कि आपको ऑलरेडी पहले कहीं से भी आपने बाय किए होंगे। अच्छा, और मैं आपके व्यूवर्स को एक ऑफर भी दूंगा कि आपके जितने व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो अगर आपकी वीडियो के थ्रू हमारे पास आते हैं या बताते हैं कि आपकी वीडियो के हम देख के आए हैं, उनको मेरी तरफ से 10% ऑल बेकरी आइटम प्लस फास्ट फूड। नो नहीं यार, मेरी 10% ऑफ मिल रहा है मेरे व्यूवर्स जितने भी शॉप के अंदर आएंगे, सबके सबको हर चीज के ऊपर, बेकरी आइटम्स के ऊपर ना, बेकरी आइटम्स के ऊपर जो भी इनकी अपनी तैयार करदा आइटम्स हैं, स्वीट लगा ले, फास्ट फूड लगा ले, आप केक्स लगा ले, सबके ऊपर 10% ऑफ मिल रहा है। तो देर किस बात की, जल्दी से आप इनकी जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच कहा जाए क्या, आपकी मेन ब्रांच पे आप आ सकते हैं। अगर नहीं भी आ सकते तो घबराना नहीं है, अगर आपके घर में तो पार्टी है, बच्चे की बेटी की बर्थडे है, कोई भी इवेंट है, देन तब भी आप इनकी बेकरी का जो जितना भी मटेरियल है इनको करवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, और यकीन माने मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके जो गेस्ट हैं वो रियल में हैप्पी होंगे। अमूमन हैप्पी नहीं होते, लेकिन ये गारंटी है कि आपके गेस्ट जनाबे वाला हैप्पी होंगे, क्योंकि इनकी बेकरी का सामान मैंने खुद भी टेस्ट किया और मुझे तो बड़ा मज़ा है, और उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आएगा। अच्छा सर, कल हैप्पी न्यू ईयर है,
यार मेरे व्यूवर्स को कम से कम हैप्पी न्यू ईयर पे कोई ऑफर देना। न्यू ईयर में शहबाज भाई सिर्फ आपके लिए जो है, आपके व्यूवर्स के लिए, अगर तो वो 31st और 1st को जो है उनके लिए एक ऑफर मैं लगाने जा रहा हूँ। तो कोई भी आपकी वीडियो देख के हमारे पास आता है उसको बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा जो है हम लोग देंगे यार, एक के साथ एक, एक के साथ एक पिज्जा फ्री। मतलब कि एक पिज्जे की प्राइस अमूमन एक पिज्जे की प्राइस स्मॉल स्मॉल की 400 से 500 है, मीडियम की 800 से 1000 है, लार्ज की 1300 से 1500 है। वो एक पिज्जे की प्राइस में दो पिज्जे लेके जाएगा और टेस्ट में फर्क तो नहीं होगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं। ना ना, एक पिज्जा जो है बड़ा स्पेशल होता है और दूसरे में जायका कम कर, मटेरियल कम कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मटेरियल के और क्वालिटी के लिहाज से जो है ना हम लोग किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बेशक उसमें हमारा नुकसान होगा, किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैंने यकीन माने बड़ा मतलब मुतमिन हूं यहां पर आके, और फ्यूचर में भी मुझे अगर कोई ऑर्डर करना पड़े किसी भी इवेंट के लिए तो मैं ये बैटरी का इस्तेमाल करूंगा। और आप लोगों को भी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूं कि आप लोग भी इस बैटरी को इस्तेमाल में लेके आए, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑर्डर करें और लाइफ को एंजॉय करें। व्यूअर्स उम्मीद है कि आपकी वाइंड अप करता हूं, ठीक है ना। व्यूअर्स उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई शहबाज़ को दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।